Hello and welcome, friends. Today we are going to learn a short description of indirect formula in Microsoft Excel. So कैसे use करेंगे? पहले indirect formula लगा लेता हूँ, equal to का निशान लगाता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ indirect. और तो ये indirect लगाया हमने, और कोई एक cell address जैसे ये दिया हुआ है C11, इसी को मैं select कर लेता हूँ, ठीक है? ये हमने select किया, इसको close किया और यहाँ पर press किया enter. तो यहाँ पर ref का एक error आ गया. अब हम क्या करते हैं कि सेल एड्रेस लिखते हैं, जिसका भी हमें मार्क्स देखना हो, एवरेज देखना हो, टोटल देखना हो, उसका सेल एड्रेस डाल दीजिए. जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर राम का जो टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस है वो है H2, ठीक है? तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं H2, और आप देख पाएंगे कि यहां पर जैसे ही मैं H2 टाइप करता हूं तो ये आता है.